हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेन ओकरी जो कि एक नाइजीरियन पोइट और नॉवलिस्ट हैं। बेन ओकरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है और उनके वर्क से रिलेटेड और उनके लाइफ से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेन ओकरी। बेन ओकरी बॉर्न 15 मार्च 1959 इन मीना नाइजीरिया के अंदर 15 मार्च को जो है उनका बर्थ हुआ था। ही इज बेसिकली अ नाइजीरियन पोइट और नॉवलिस्ट। पोइट भी है और नॉवलिस्ट भी है। His father was Oropo and his mother was half Igbo from a royal family. रॉयल फैमिली से जो है इसके पेरेंट्स जो है वो बिलोंग करते हैं। He was born in Mina in West Central Nigeria to Grace and Silver Okri in 1959. यानी इनकी मदर का नाम जो है वो ग्रेस है और उनके फादर जो है वो सिल्वर है। सिल्वर ओकरी जो है इनके फादर का नाम है। ओकरी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फॉरमोस्ट अफ्रीकन ऑथर्स इन द पोस्ट मॉडर्न एंड पोस्ट कॉलोनियल ट्रेडिशंस। ओकरी को जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफ्रीकन ऑथर माना जाता है पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर। ही हैज बीन कंपेयर्ड फेवरेबली टू ऑथर सच एज सलमान रश्दी एंड गैब्रियल ग्रेशिया मार्केज़। यानी जो बेन ओकरी है उनका कंपेरिजन किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है बेसिकली सलमान रश्दी और गैब्रियल ग्रेशिया मार्कस के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है। इन 1991 ओकरी वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज नॉवल द फेमस स्ट्रॉ। 1991 के अंदर बेन ओकरी को जो है बुकर प्राइज मिला था अपने नॉवल द फेमस स्ट्रॉ के लिए। बेन ओकरी इज अ पोइट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, एसेइस्ट, एफ्रोइस्ट, प्ले राइट एंड राइटर ऑफ फिल्म स्क्रिप्ट। यानी फिल्म स्क्रिप्ट भी जो है वो राइट करते हैं। वो बेसिकली पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी भी राइट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर हैं बेन ओकरी। हिज फादर सिल्वर मूव्ड हिज फैमिली टू लंदन व्हेन ओकरी वाज लेस देन 2 ईयर्स ओल्ड सो दैट ही कुड स्टडी लॉ। और लॉ करने के लिए उनके फादर जो है वो लंदन में चले गए थे जब बेन ओकरी सिर्फ 2 ईयर्स के थे। ओकरी दस स्पेंड हिज अर्लीस्ट ईयर्स इन लंदन एंड अटेंडेड प्राइमरी स्कूल इन पेकहम। और ओकरी के जो बचपन का जो शुरुआती दिन थे वो लंदन में स्पेंड हुए थे और प्राइमरी स्कूलिंग भी उनकी वहीं पे हुई थी। इन 1966 सिल्वर मूव हिज फैमिली बैक टू नाइजीरिया। और उसके बाद 1966 के अंदर जो बेन ओकरी के फादर हैं सिल्वर वो वापस नाइजीरिया आ गए। वेयर ही प्रैक्टिस लॉ इन लागोस प्रोवाइडिंग फ्री और डिस्काउंटेड सर्विस फॉर दोज हु कुड नॉट अफोर्ड इट। और यहाँ पे नाइजीरिया में वापस आके उनके फादर ने जो है उन लोगों की हेल्प कर की जिनको जिनके पास की जो लॉ से रिलेटेड पैसा नहीं था उनके लिए सर्विस प्रोवाइड की उन्होंने। आफ्टर अटेंडिंग स्कूल इन इबादान एंड एकेनी ओकरी बिगेन हिज सेकेंडरी एजुकेशन एट और ओबो कॉलेज एट वारी इन 1968। और उसके बाद यहाँ पे ही नाइजीरिया के अंदर उन्होंने अपना कॉलेज किया। व्हेन ही वाज द यंगेस्ट इन हिज क्लास, अपनी क्लास में जब वो सबसे छोटे थे यानी कम एज में ही जो है उन्होंने स्कूलिंग कर ली थी अपनी। हिज एक्सपोजर टू द नाइजीरियन सिविल वार एंड कल्चर इन विच हिज पीयर्स एट द टाइम क्लेम टू हैव सीन विजन्स ऑफ स्पिरिट्स लेटर प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फॉर ओकरी फिक्शन। नाइजीरियन सिविल वार का जो है वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ ओकरी के माइंड के ऊपर और उनके फिक्शंस के अंदर वही जो है इंस्पिरेशन बनी। नाइजीरियन सिविल वार जो है उनके फिक्शंस के लिए जो है एक इंस्पिरेशन बनी। द वॉर मेड अ डिफाइनिंग इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। और वॉर ने जो है उनकी लाइफ पे काफ़ी इम्पैक्ट किया। He finished his secondary school education and wanted to study physics and became a scientist. Basically, उन्होंने अपने schooling education पूरी की और वो physics की study करना चाहते थे ताकि एक scientist बन सके। But he was deemed too young for university and then summer he read his way through
through his father's library and found his true vocation. क्योंकि वो अभी जैसे कि मैंने बताया कि बहुत जल्दी ही उनकी स्कूलिंग पूरी हो गई थी और वो अभी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा यंग थे, तो उनके पास टाइम था. समर्स में उनको एक मौका मिला अपने फादर की लाइब्रेरी में जाके बुक्स को रीड नहीं करने के लिए, और वहीं से जो है उनको इंस्पिरेशन मिली राइटिंग के लिए. ही बिगेन राइटिंग एज अ वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम एज में उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी. ही बिगेन विद पोइट्री एंड देन पब्लिश आर्टिकल्स. उन्होंने बेसिकली पोइट्री जो है से स्टार्ट किया और उसके बाद आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए. एंड ऐसे अबाउट द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर इन द स्लम ऑफ लैगोस, और लैगोस के जो स्लम्स के अंदर जो पुअर लोग पीपल हैं उनकी कंडीशंस के बारे में उन्होंने आर्टिकल्स और एसेज लिखना बेसिकली स्टार्ट किया. देन ही रोट शॉर्ट स्टोरी एंड इवेंचुअली व्हाट वाज टू बिकम हिज फर्स्ट नॉवल फ्लावर्स एंड शेडोज. और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया और शॉर्ट स्टोरी से ही वो उनका फर्स्ट नॉवल जो है वो बना फ्लावर्स एंड शेडोज. ये बेसिकली उनका फर्स्ट नॉवल था फ्लावर्स एंड शेडोज. इन 1978 बेन ओकरी रिटर्न टू लंदन. बेन ओकरी जो है वापस लंदन आए. ही स्टडीड कंपैरेटिव लिटरेचर एट एसेक्स यूनिवर्सिटी. वहाँ से जो है लंदन से ही उन्होंने कंपैरेटिव लिटरेचर की स्टडी की. 2 years later he published his first novel and in 1982 came his second novel The Landscapes Within. और 1982 के अंदर ही उनका second novel जो था वो publish हुआ The Landscape Within. He went through a brief period of homelessness. और कुछ time के लिए जो है उनका जो period रहा वो homelessness का रहा. In 1986 came Incident at the Shrine, a collection of stories that won him prizes and enhanced his reputation. 1986 के अंदर उनका जो है short story का collection आया Incident at the Shrine, और इसको जो है काफ़ी सारे prizes मिले और उनकी reputation जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. In 1988 a second collection Stars of the New Curfew cemented his reputation as a powerful new voice. और उसके बाद जो इनका second collection आया Stars of the New Curfew, ये इनके work का नाम था, तो उनसे उनकी reputation और ज़्यादा बढ़ गई. But it was in 1991 with the publication of the famous Trod that he attained international stature. और उसके बाद जो international recognition जो है उनको मिली, international level पर जो उनकी पहचान बनी वो 1991 के अंदर बनी, जब उनका जो novel आया The Famous Trod, और जिसके लिए उनको जो है The Booker Prize भी मिला था. The Famous Trod won the Booker Prize that year, और 1991 के अंदर उनको Booker Prize मिला The Famous Trod के लिए. It was the first Booker Prize winner to go straight to the number one in the paperback bestseller list, or bestseller list के अंदर वो जो है first Booker Prize winner रहे. The novel has been highly influential in the decade since its release, और इसके release से लेके ये अब तक की सबसे जो है highly influential decade का work रहा है ये novel जो है The Famous Trod. When President Clinton went to Africa for the first time, he quoted extensively from the Famous Trod. और जब President Clinton जो है South Africa गए तो उन्होंने जो है quote किया जो lines थी कहाँ से The Famous Trod से. The novel was also the inspiration behind the street spread by Radiohead. और ये नॉवल जो है वो इंस्पिरेशन रहा था स्ट्रीट्स जो एक वर्क था रेडियो हेड स्ट्रीट स्प्रेड का, उसके लिए भी ये इंस्पिरेशन रहा था ये वर्क द फेमस ट्रोड. रिसेंटली इट वाज वन ऑफ द नॉवल साइटेड इज इन एन एपिसोड ऑफ अमेरिकन डैड. और रिसेंटली जो है ये नॉवल को साइट किया गया है अमेरिकन डैड जो है उसका एक एपिसोड है उसके अंदर जो है इसको साइट किया गया है इस नॉवल के एक एपिसोड को. It has inspired paintings, music, classical music, plays, films and dances. और इस वर्क ने The Famous Trod जो वर्क था बेन ओकरी का उसने इंस्पायर किया पेंटिंग को, म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक को, प्लेस को, फिल्म और डांसेस को. इट हैज नाउ बीन री इशूड एज ए विंटेज
क्लासिक, और इसको जो है एक क्लासिक वर्क की कैटेगरी में जो है इसको माना जाने लगा है। द फेमिनिस्ट रोड इज द फर्स्ट बुक इन द फेमिनिस्ट रोड ट्रायलॉजी विच इंक्लूडेड सॉन्ग्स ऑफ एनचांटमेंट एंड इनफाइनाइट रिचेस। ये द फेमिनिस्ट रोड जो है वो बेसिकली एक ट्रायलॉजी है, और इसकी ट्रायलॉजी की जो बाकी वर्क्स हैं वो हैं टू वर्क्स और भी हैं जो हैं द सॉन्ग्स ऑफ एनचांटमेंट एंड इनफाइनाइट रिचेस। तो बेसिकली क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रायलॉजी के बाकी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इसके टू पार्ट्स हैं, सॉन्ग्स ऑफ एनचांटमेंट एंड इनफाइनाइट रिचेस। सिंस देन देयर हैव बीन मैनी नॉवल्स, बुक्स ऑफ पोइम्स, कलेक्शन ऑफ एसेज, और उसके बाद उनके बहुत सारे नॉवल्स बुक पोइम्स की बुक्स आई हैं और कलेक्शन ऑफ एसेज आई हैं। ही इज ऑल्सो वाइडली नोन एज अ पोइट, उनको जो है एज ए पोइट जो है वो भी जाना जाता है, एज अ पोइट भी बहुत ज्यादा फेमस है वो। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज प्राइमरीली ए पोइट एंड ही मेंटेन दैट हिज आर्टिस्टिक रिस्पॉन्स टू हिज लाइफ एक्सप्रेसेस इटसेल्फ मोस्ट नेचुरली थ्रू पोइट्री। और वो अपने आप को बेसिकली एक ये मानते हैं कि वो बेसिकली प्राइमरी रूप से एक पोइट है, और जो वो एक्सप्रेस करते हैं पोइट्री वो नेचुरली जो है निकल के आती है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पाइम्स एंड अफ्रीकन एलिजी कंटेन सम ऑफ हिज बेस्ट नॉन पोइम्स इंक्लूडिंग द टाइटल पोइम विच इज ए सेट टेक्स इन स्कूल्स एंड टू एन इंग्लिश फ्रेंड इन अफ्रीका। और जो उनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स थी द एन अफ्रीकन एलिजी, वो बेसिकली इतनी ज़्यादा बेस्ट, उसके अंदर उनकी बेस्ट नॉन पोइम्स हैं, और उनको जो है स्कूल्स के अंदर जो है एज ए टेक्स्ट बुक भी जो है वो लगाया गया है। और उनकी जो बुक की जो पोइम है वो है टू एन इंग्लिश फ्रेंड इन अफ्रीका। हिज एपिक पोइम मेंटल फाइट हैज बीन वाइडली रीड एंड एम्ब्रेस्ड, और उनकी जो एपिक पोइम है मेंटल फाइट, उनको भी बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और उसका प्रेज किया जाता है उनकी पोइम को। कोटेशन फ्रॉम इट आर ए रेगुलर ऑन द इंटरनेट वाइल पब्लिश इन 2012 इज परहैप्स हिज मोस्ट डाइवर्स एंड लाइफ अफर्मिंग वॉल्यूम ऑफ पोइम्स। और जो इसके जो इंटरनेट पे जो मोस्टली कोटेशंस जो हैं वो इनके इस पोइम से लिए जाते हैं। हिज मोस्ट रिसेंट कलेक्शन ऑफ पोइम्स आर फायर इन माई हेड टू बी पब्लिश्ड इन जनवरी 2021, और जनवरी 2021 के अंदर जो है उनके जो रिसेंट कलेक्शन ऑफ पोइम्स जो आया है वो है ए फायर इन माई हेड कंटेन सम ऑफ मोस्ट फेमस एंड हाईली चार्ज पोलिटिकल पोइम्स, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस पोलिटिकल पोइम्स हैं उनकी। वन ऑफ द पोइम्स ग्रेनफेल टावर जून 2017 वॉज लिस्टेड टू ओवर 6 मिलियन टाइम्स ऑन द चैनल 4 फेसबुक पेजेस। और इनकी जो ये जो ग्रीन फेल टावर जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है इनकी पोएम। इन 2009 ही इन्वेंटेड ए न्यू फॉर्म कॉल्ड स्टोक्यू। स्टोक्यू जो है एक इन्होंने 2009 के अंदर एक न्यू फॉर्म इन्वेंट की जिसको उन्होंने नाम दिया स्टोक्यू, विच इज अ क्रॉस बिटवीन ए शॉर्ट स्टोरी एंड ए हेक्यू। और बेसिकली क्या है, इन्होंने एक एक मिक्सिंग की है शॉर्ट स्टोरी का और हाइक्यू। हाइक्यू एक जापानीज जो है पोएटिक फॉर्म है, और उन्होंने पोइट्री का बेसिकली और शॉर्ट स्टोरी का एक मिक्सिंग किया है और उसको नाम दिया है इन्होंने स्टोकू। स्टोकू जो है ये नाम इन्होंने दिया है, यानी शॉर्ट स्टोरी और हाइक्यू इन दोनों को मिक्स किया है, और ये न्यू फॉर्म जो है इन्होंने इन्वेंट किया है बैनोक्री ने। दिस वॉज फर्स्ट डिस्प्लेड इन हिज बुक टेल्स ऑफ फ्रीडम नाउ रिटाइटल द कॉमिक डेस्टिनी विच फीचर 13 स्टोक्यूज। और ये जो इन्होंने जो ये न्यू टर्म इन्वेंट की है स्टोक्यू, बेसिकली इसको इन्होंने डिस्प्ले किया है अपनी बुक में टेल्स ऑफ फ्रीडम के अंदर, जिसको कि बाद में जो है रिटाइटल किया गया, जिसका नाम दोबारा दिया गया द कॉमिक डेस्टिनी, और जिसके अंदर 13 जो है वो स्टोक्यूज हैं। कोटेशन फ्रॉम हिज वर्क आर पॉपुलर एंड हैव अपीयर्ड इन टेलीविजन सीरीज लाइक क्रिमिनल माइंड्स। और उनकी कोटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, और
टेलीविजन सीरीज के अंदर जो है उनको कोट किया जाता है बेसिकली. हिज एसेज हैव आल्सो बीन वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंशियल, और उनके एसेज जो है वो भी काफी ज्यादा पढ़े जाते हैं और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है. A Way of Being Free, published in 1997, contains some of his best loved meditations on the power and magic of storytelling. और उनका जो work है 1997 के अंदर A Way of Being Free, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो स्टोरी टेलिंग है वो contains some of his best loved meditation of the power and magic of, कि उसमें बताया गया है कि स्टोरी टेलिंग का मैजिक और पावर जो है वो सारा का सारा उसके अंदर दिखाया गया है. And A Time for New Dreams, published in 2011 के अंदर पब्लिश हुआ है वर्क A Time for New Dreams, विद द टिटुलर मस्कोट ऑफ ग्रेस बेल्स बॉनर एग्जीबिशन एट द सरपेंटाइन इन 2018. और ये जो है ये 2011 के अंदर पब्लिश हुआ था और यहाँ पे एग्जीबिशन में जो है इसको शो किया गया था 2018 में. It was also a personal book recommendation by the great artist David Hemmons in a New York profile of him in 2019. और 2019 के अंदर जो है David Hemmons ने भी जो है इसको जो है recommend किया है. Ben Okri has written film scripts and plays. Film scripts और plays भी उन्होंने write किए हैं. He wrote the text of Peter Kruger film and द मैडनेस ऑफ न्यू रीजन, ये भी जो है उसके टेक्स्ट जो है वो इसका मूवी का लिखा है उन्होंने. द फिल्म वॉन द 2015 एंसोर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, और इस फिल्म को जो है बेस्ट अवार्ड मिला था. ही इज को राइटिंग विद पीटर क्रूजर द फिल्म स्क्रिप्ट एडप्शन ऑफ हिज नॉवल द एज ऑफ मैजिक, और एज ऑफ मैजिक जो है वो फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो को राइटिंग की थी इन्होंने पीटर क्रूजर के साथ. ही हैज ऑल्सो रिटन अ प्ले कॉल्ड द आउटसाइडर, एन एडेप्टेशन ऑफ कैमस फेमस नॉवल, विच वॉज परफॉर्म टू फुल हाउसेज एट द कॉर्नेट इन सेप्टेम्बर 2018. और उन्होंने एक प्ले भी लिखा था जिसका नाम है द आउटसाइडर. द प्ले वॉन 2018 ऑफिस अवार्ड फॉर बेस्ट थिएटर प्रोडक्शन, और इस प्ले को जो है बेस्ट थिएटर प्रोडक्शन का अवार्ड भी मिला था. इन 2020 हिज प्ले मैडम सोसोस्ट्रीज वाज परफॉर्म्ड अगेन टू फुल हाउसेस एट द पुल ऑफ थिएटर्स इन लोजानी स्विट्जरलैंड, और ये मैडम सोसोस्ट्री का जो है ये परफॉर्म हुआ था उनका प्ले 2020 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर. Ben Okri has been a fellow commoner in creative arts at Trinity College, Cambridge. और कैम्ब्रिज के अंदर जो है ये एक क्रिएटिव आर्ट्स के अंदर फेलो कॉमनर है. He was also visiting professor of literature at Leicester University के अंदर जो है विजिटिंग प्रोफेसर भी है. He is an honorary fellow at Missfield College, Oxford. और वहाँ पे भी जो है एक honorary fellow है ऑक्सफोर्ड के अंदर. इन 2019 हिज नॉवल एस्टोनिशिंग द गॉड्स वाज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द बीबीसी 100 नॉवल्स दैट शेप आवर वर्ल्ड, और 2019 के अंदर उनका जो नॉवल था एस्टोनिशिंग द गॉड्स उसको जो है बीबीसी अवार्ड मिला है 100 नॉवल्स दैट शेप आवर वर्ल्ड की 100 ऐसे नॉवल्स के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ जिन्होंने इस वर्ल्ड को शेप किया है. अब बात करते हैं उनके नॉवल्स की. इनके जो नॉवल्स है वो हैं, फर्स्ट नंबर पे हैं फ्लावर्स एंड शेडो, ये इनका फर्स्ट नॉवल था 1980 के अंदर ही पब्लिश हुआ था. सेकंड है द लैंडस्केप्स विद इन, ये सेकंड था 1981 के अंदर पब्लिश हुआ है. द फेमिस्ट रोड जिनके लिए उनको बुकर प्राइज मिला है 1991 के अंदर पब्लिश हुआ है. सॉन्ग्स ऑफ एंचेंटमेंट 1993 के अंदर पब्लिश हुआ है. एस्टोनिशिंग द गॉड्स 2014 के अंदर पब्लिश हुआ. डेंजरस लव 2014 के अंदर पब्लिश हुआ. इन फाइनाइट रिचेस 1998 के अंदर पब्लिश हुआ. इन आर्केडिया 2014 के अंदर पब्लिश हुआ है. स्टार बुक 2007 के अंदर पब्लिश हुआ है.
द एज ऑफ मैजिक 2014 के अंदर पब्लिश हुआ है, और द फ्रीडम आर्टिस्ट जो है वो 2019 के अंदर पब्लिश हुआ है। तो ये इनके बेसिकली इम्पोर्टेंट नॉवेल्स थे जिनके वर्क्स के ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इनके नॉवेल्स के ऊपर। अब इनके कुछ पोएट्री एसेज और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं। फर्स्ट है इनकी शॉर्ट स्टोरी इंसिडेंट एट दिस श्राइन, जो कि 1986 के अंदर पब्लिश हुई है। स्टार्स ऑफ द न्यू कर्फ्यू शॉर्ट स्टोरी है, वो 1988 के अंदर पब्लिश हुई है। एन अफ्रीकन एलिजी ये की पोइट्री कलेक्शन है, 1992 के अंदर पब्लिश हुई है। बर्ड्स ऑफ हेवन ऐसे है, 1996 के अंदर पब्लिश हुआ। ए वे ऑफ बीइंग फ्री ऐसे है, ये भी 1997 के अंदर पब्लिश हुआ। मेंटल फाइट पोइट्री कलेक्शन है, 1999 के अंदर पब्लिश हुआ। टेल्स ऑफ फ्रीडम ये बेसिकली शॉर्ट स्टोरी है, जो 2009 के अंदर पब्लिश हुई है, और इनको बाद में री इशू किया गया द कॉमिक डेस्टिनी के नाम से 2019 के अंदर। ए टाइम फॉर न्यू ड्रीम्स ये भी ऐसे हैं, जो 2011 के अंदर पब्लिश हुआ। वाइल्ड ये पोइट्री कलेक्शन है, 2012। द मैजिक लैम्प 2017। राइज लाइक लायंस 2018। प्रेयर फॉर द लिविंग ये शॉर्ट स्टोरी है, 2019 के अंदर पब्लिश हुआ। मेंटल फाइट पोइट्री कलेक्शन है, 2021 के अंदर। ए फायर इन माय हेड ये पोइट्री कलेक्शन है, ये भी 2021 के अंदर पब्लिश हुआ। प्लेस है इनके 2018 के अंदर जो पब्लिश हुआ, द आउटसाइडर, और 2019 के अंदर मैडम सोसोस्ट्रिस, ये जो है दो इनके प्लेस हैं। अब इनको अवार्ड्स जो है बहुत सारे अवार्ड्स बैनोकरी को मिले हुए हैं, तो ये बात करते हैं कि इनको अवार्ड्स कौन कौन से, हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अवार्ड्स उनको काफ़ी सारे मिले हुए हैं, लेकिन हम सारे इसमें नहीं लेके आ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं इसमें जो है ऐड कर रही हूँ। 1987 के अंदर उनको मिला कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जो है इंसिडेंट एट दिस टाइम के लिए। 1987 के अंदर आका खा प्राइज फॉर फिक्शन मिला द ड्रीम वेंडर्स अगस्त के लिए। 1988 के अंदर इनको गार्जियन फिक्शन प्राइज मिला स्टार्स ऑफ द न्यू कर्फ्यू के लिए, ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। 1991 के अंदर बुकर प्राइज मिला द फेमिस्ट रोड के लिए। 1991 के अंदर प्रीमियो ग्रिंजा केवर इटली के अंदर द फेमिस्ट रोड को मिला। उसके बाद 2000 के अंदर सेम अवार्ड मिला डेंजरस लव के लिए इटली में। 2001 के अंदर ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ये जो है ऑनर इनको मिला 2001 के अंदर। 2010 के अंदर डॉक्टरेट डिग्री जो है उनको मिली बाय स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के अंदर। 2010 के अंदर ही इनको डॉक्टरेट ऑफ आर्ट्स जो है वो अवार्ड किया गया बाय यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्ड शहर के द्वारा। 2019 के अंदर बीबीसी 100 नॉवेल्स दैट शेप आवर वर्ल्ड फॉर एस्टोनिशिंग द गॉड्स के लिए इनको मिला, और 2020 के लिए 20 में उनको ऑनरी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर मिला नेशनल मंडेला यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका की तरफ से जो है ये इनको अवार्ड मिला। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है आपके लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और इसी के साथ जो है ये एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। Thank you.